वो कौन सी बीवी है जिसको पता होता है कि उसका खामिन किधर है? क्या हुआ? अच्छा आपसे एक सवाल पूछेंगे, अगर आपने सही जवाब दे दिया तो ये कुछ कैश प्राइज आपको मिलेगा। वो कौन सा बैंक है जहाँ से पैसे नहीं निकलते? कौन सा बैंक है जहाँ से पैसे नहीं निकलते? कैश प्राइज है बड़ी आपके लिए। बहुत शुक्रिया, मिलते हैं। तो आज की वीडियो जो है काफ़ी शॉर्ट होने वाली है क्योंकि हमारे पास बहुत कम टाइम है, तो हम लोगों से ऐसे आसान सवाल करेंगे जिनका वो जवाब मिले। और जो है आज की वीडियो भी कल जैसी है क्योंकि किसी की हेल्प अगर मैंने करनी है पर्सनली तो उसके लिए एक अच्छी खासी कैश चाहिए होती है, जो कि आज मेरे पास टाइम कम था, मैं कहीं जा नहीं सका। तो क्या कहते हैं, इसलिए फिर जो है मैंने जितनी मेरे पास कोई सेविंग्स पड़ी थी उनको इन्वेलपमेंट करके कुछ लोगों से कुछ सवाल करेंगे मज़े के, जिन्होंने सही जवाब दे दिया तो उनको वो दे देंगे इंशाल्लाह। तो चलिए मिलते हैं आपको लोगों के साथ। अस्सलाम वालेकुम अंकल। अच्छा आपसे ना एक सवाल पूछेंगे, अगर आपने जवाब सही दे दिया तो ये कैश प्राइज है इसमें वो मिलेगी आपको। तो वो कौन सी औरत है जिसको पता होता है कि उसका खामिन किधर है? खामिन किधर है? हाँ जी, खामन काम पर ही होगा और किधर होगा? नहीं उसको पता होता कि है वो किधर है, काम पे नहीं भी होते कुछ लोग तो उसको, लेकिन पता है कि वो कहाँ है। ये तो नहीं पता। चले आप दूसरा सवाल बता दें, वो कौन सी अजान है जिसकी नमाज नहीं है, वो कौन सी नमाज है जिसकी अजान नहीं है? नहीं आता। चले ठीक है, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं गाइस। बहुत शुक्रिया। अच्छा आपसे एक ना सवाल करेंगे, अगर आपने जवाब दे दिया ये कैश प्राइज है आपको मिलेगी। वो कौन सा बैंक है जहाँ पे जहाँ से पैसे नहीं निकलते? कौन सा बैंक है जहाँ से पैसे नहीं निकलते? ब्लड बैंक। ओ यार जीत गए यार, हैवी ये लीजिए आपका इनाम। बहुत शुक्रिया। बाकी है? नहीं नहीं पैसे हैं अंदर, बस जितने हैं वो आपने कबूल करने हैं। चलिए अपने अगले बंदे के पास भाई जान। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा आपसे एक सवाल पूछेंगे, अगर आपने सही जवाब दे दिया तो ये कुछ कैश प्राइज आपको मिलेगा। वो कौन सा बैंक है जहाँ से पैसे नहीं निकलते? कौन सा बैंक है जहाँ से पैसे नहीं निकलते? सोचे। कौन सा बैंक है जहाँ से पैसे नहीं निकलते? हाँ जी, निकलते नहीं, नहीं मिलते ही नहीं है पैसे वहाँ से। ब्लड बैंक। यार मेला तेरी वजह तो सारे जवाब आ रहे हैं। लो जी भाई ने भी सही जवाब दे दिया, इनको भी जाएगा इन मेलो। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम अंकल। अच्छा आपसे ना एक सवाल पूछेंगे, अगर आपने जवाब सही दे दिया तो ये कैश प्राइज है इसमें वो मिलेगी आपको। तो वो कौन सी औरत है जिसको पता होता है कि उसका खामिन किधर है? खामिन किधर है? हाँ जी, खामन काम पर ही होगा और किधर होगा? नहीं उसको पता होता कि है वो किधर है, काम पे नहीं भी होते कुछ लोग तो उसको, लेकिन पता है कि वो कहाँ है। ये तो नहीं पता। चले आप दूसरा सवाल बता दें, वो कौन सी अजान है जिसकी नमाज नहीं है, वो कौन सी नमाज है जिसकी अजान नहीं है? नहीं आता। चले ठीक है, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं गाइस। बहुत शुक्रिया। अभी इधर रिक्शे वाले अंकल बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल। अंकल एक सवाल पूछेंगे, अगर आपने जवाब दे दिया तो ये कुछ कैश प्राइज आपको मिलेगा। ये वो कौन सी बीवी है जिसको पता होता है कि उसका खामिन किधर है? क्या हुआ? नो। जेड़े ते खामा दा होना ना सही बीवी दे फरमादार है। हां जी, ओना बीवियां नु पता हुंदा है। अच्छा ठीक है, भी मेरा खावंद इस टाइम किथे आ? अच्छा, जेड़े होना ना अपने अर्गे ने लायक भी दसना किथे ते जाना किथे आ? हां जी, ओना बीवियां नु नहीं पता हुंदा। नहीं नहीं सही जवाब, सही जवाब दे। सही जवाब है। चले अब टाइम पता होता खावा किथे गा, हर टाइम नु पता होता किथे गा। नहीं 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 आता जवाब। चले दूसरा सवाल पूछ लेते हैं, वो कौन सी अजान है जिसकी नमाज नहीं है, और वो कौन सी नमाज है जिसकी अजान नहीं है? मेरे नहीं पता। नहीं पता? नहीं पता। चले बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आ जाए, आगे उधर से आवाज आ गई है।
यार इसमें कुछ कैश प्राइज है, 200 हल करेंगे अगर आपने जवाब दे दिया तो। वो कौन सी बीवी है जिसको पता है उसका खामन किधर है? वो केड़ी बीवी है जिसको पता होता है कि उसका खामन किधर है हर वक्त उसको पता होता है? वो जेड़ा बंदा थले लगा उंदी बीवी नू पता होंदा है? नहीं 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 नहीं, वो ही है 24 घंटे फोन। वो बीवी केड़ी है भी जिंदा खामन नू पता होंदा है? हां जी। नहीं आता चले आप दूसरा सवाल बता दें कि वो कौन सी नमाज है जिसकी अजान नहीं है और वो कौन सी अजान है जिसकी नमाज नहीं है? वो नमाज वो है जिसकी अजान नहीं है, वो नमाज जनाजा है। ठीक है ठीक है ठीक है। तो जिसकी अजान है ना, जो जब बच्चा पैदा होता है उसको अजान देते हैं, उसकी नमाज जो है ना उसकी वो तब अदा होती है। जी जी बहुत शुक्रिया, आपने बिल्कुल सवाल दूसरे सवाल का सही जवाब दिया है। तो ये छोटी सी कैश प्राइज है बड़ी आपके लिए, बहुत शुक्रिया। तो गाइस हम एक और शॉप पे आ चुके हैं और हमारे पास जो इसमें इनवेलप खत्म हो गए हैं, तो यहाँ पे ये शॉप वाले भाई से पूछेंगे कि जवाब दे, और अगर तो ये जीत गए तो हम जो है इनको फिर कैश ही जेब से ही देंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई, आपसे दो सवाल पूछेंगे, अगर आपने उसका सही जवाब दे दिया तो आपको कुछ कैश प्राइज मिलेगी। वो कौन सा बैंक है जहाँ से पैसे नहीं मिलते? घर अच्छा यार वैसे सही जवाब था। चले आप दूसरा सवाल बता दें, पैसे का वो उसको दे। दूसरा सवाल बता दें, वो कौन सी बीवी है जिसको पता होता है कि उसका खामिन कहाँ है, उसको हर टाइम पता होता है? चलाक चलार चलाक चलाक अच्छा चलाक। यार ये भाई को कोई जवाब नहीं आ रहा, चलते हैं हम अगले भाई। तो गाइस हमारी वीडियो का जो है खत्म हो चुका है, शूटिंग वगैरह कर ली हमने, तो अभी जा रहे हैं हम घर और जो है मिलते हैं आपको घर जाके इंशाल्लाह इफ्तार करके। आज हमारे साथ मोहरम भाई और जो है इब्राहिम भाई, इन्होंने हमारा साथ दिया वीडियो बनवाने में, इनका थैंक यू। तो खैर एनीवेज चलते हैं घर और मिलते हैं आपको घर जाके इंशाल्लाह। तो गाइज अल्हम्दुलिल्लाह मैं आ चुका हूँ घर और जो है मैंने वजू वगैरह कर लिया, इफ्तार का टाइम होने वाला सिर्फ 2-3 मिनट रह गए हैं। तो हमारे पास जी आज इफ्तारी में है चिकन वाले पकौड़े, मम्मा ने बनाए हैं ये वाले, बड़े मजे के होते हैं, और जो है दही भल्ले आज फिर, और जो है जामे शीरी है। तो इफ्तार में एक नॉर्मल सी चीज़ें होनी चाहिए, इतनी ज़्यादा डिशेस मैं नहीं खाता क्योंकि इफ्तार में आपको पता है ज़्यादा कुछ खाया नहीं जाता। तो अभी बस यही चीज़ें हैं, तो इंशाल्लाह आपको मिलते हैं इफ्तार के बाद। और जो है अगर तो आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आ रही है, अगर आप देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। सो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह आज की वीडियो भी हो चुकी है कम्प्लीट, और जो वो बीवी वाला क्वेश्चन था उसका आंसर ये है कि वो बेवा औरत होती है जो हस्बैंड कहाँ है। तो उम्मीद है आज की ये छोटी सी शॉर्ट सी वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। थोड़ा सा आज जो है ना टाइम शॉर्ट था तो इसलिए छोटी सी वीडियो बनी है, ज्यादा हम टाइम दे नहीं पाए। तो कल इंशाल्लाह जो है हम गाड़ी चलाएंगे और जो है गाड़ी चलाकर जो है किसी की हेल्प करेंगे। तो आज ये 2 दिन बस थोड़ा सा कंटेंट चेंज किया था, कल हम जाएंगे इंशाल्लाह किसी की करेंगे हेल्प और मिलेंगे आपको कल एक अच्छी वीडियो के साथ कल इंशाल्लाह। अगर तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को कर दे लाइक और चैनल को कर दे सब्सक्राइब। मिलते हैं आपको कल इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।